करते हैं पंजाब की खबरों का। पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के चरण दो का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चरण दो का शुभारंभ किया, जिसका मुख्य लक्ष्य दो लोगों को पीने योग्य पानी देना, एलईडी स्ट्रीट लाइट और सीवेज समस्या से निजात दिलाना है। इसी बीच सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं भी दी और कोरोना काल में लोगों को सावधानियां बरतने की हिदायतें दी। आपको बता दें कि पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के चरण दो का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चरण दो का शुभारंभ किया, जिसका मुख्य लक्ष्य लोगों को पीने योग्य पानी दिलाना, एलईडी स्ट्रीट लाइट लगवाना और सीवेज समस्या से निजात दिलवाना है। इसी बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं भी दी और कोरोना काल में लोगों को सावधानियां बरतने की हिदायतें दी। मुख्यमंत्री की तरफ से बार बार इस तरह की कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, साथ ही फेसबुक लाइव होकर मुख्यमंत्री लोगों से बातचीत भी करते हैं और लोगों की परेशानियां जानने की कोशिश करते हैं। वहीं अब मुख्यमंत्री की तरफ से एक अच्छी पहल यहां पर पंजाब सरकार की तरफ से की गई है, जिससे कि लोगों को सीवरेज समस्या से भी निजात मिलेगी और तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। And best state in sanitation in the country in Swachh Sarvekshan 2019. So, ये दोनों सारे के बात करूँ तो मिनिस्टर लोग साथ मिनिस्टर साथ को अपना भी दोनों और थोड़े सारे बैंक में हूँ बहुत बधाई हो यार इस इश्यू को मेरी एक जिनी प्रॉब्लम सी आपने जैसे मैं तुम्हें जिक्र कर दिया है एक का पानी ना पानी साढ़ा हर सात शहर ट्यूबवेल द बेस सीधा और ट्यूबवेल का बहुत गहरा जाना पैदा से साफ पानी लेने वास्ते असी जो चेक कराया सी मेरा कल पटियाले में चेक कराया सी 3.5 फुट से एक जाना पे आउट है और उठे भी पानी पिन जो ग्रानी सी का ठीक भी सी पानी सो असी डिसाइड किया कि जिधर बड़े शहर में पानी होना चाहिए वी शुड ब्रिंग इरिगेशन अपना नहरी पानी उनको देना चाहिए ना सर और वो अमृतसर जलंधर लुधियाना पटियाला फोर टू बिल और बठिंडा पे बात है वो कोई चार के बीच असी शुरुआत की थी।